முயற்சி ஒருபோதும் வீண் போகாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். தேர்வு தொடர்பான அச்சத்தை போக்கும் வகையில் மாணவர்களிடையே பிரதமர் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி புதுதில்லியில் நடைபெற்றது. தல்கத்தோரா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து மாணவர்கள், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்வில் வெற்றி பெற மாணவ மாணவியருக்கு வாழ்த்து கூறினார். மாணவர்கள் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் இவ்வாறு நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே விரும்பிய முடிவுகளை எட்ட முடியும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். उसको पुचकारते फिर कहिए देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है, वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है। अगर एकाध गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है, हमने बाद में भी बताए तो चलता है। दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है। क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना रुवाब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना, उसको पूछेंगे बताओ तुम समझे कि नहीं समझे, वो करता रहेगा, तू तुम में चलेगा तो फिर वो डांट देंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मैं टीचर होता तो मैं करता, जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट है उनको कहता अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको, वो बढ़िया से समझाएगा। तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा। और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कंपटीशन शुरू होगी, स्वाभाविक रूप से कंपटीशन शुरू होगी। दूसरा जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्लास में भी कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला करके बात करे, प्यार से बात करें, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, अब चलो आज खेलो, मेरे सामने खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा, मैं भी देखूं क्या खेलते थे। अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया होता तो फायदा होता नहीं होता, उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता, वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी। இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் தேர்வு தொடர்பான மன அழுத்தம் குறித்து 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் மாணவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டிருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக 38 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பதிவு செய்திருந்தனா்.